हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, ये तकरीबन 3:30 बजे का वीडियो है। तो मैंने जो है वह तभी से ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था। बेटी को स्कूल से लेकर आई हूँ और कपड़े धुलने के लिए बैठ गई थी। तो देखिए किस तरह से मैं पाइप लगा के कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत कड़ा था, इसीलिए 3 बजे उतना कड़ा धूप था गाइज। तो ये देखिए उसी दिन का जो है ये शाम का वीडियो है। मेरे हस्बैंड जो हैं आज जल्दी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं शाम में चाय पकौड़े हो जाए। और कपड़े मैंने उतने धुले थे, उसके बाद बारिश हो गया था गाइज बहुत ज़्यादा ही, तो कपड़े वैसे ही रह गए। और मैंने दूसरा दिन सुखाया। और ये जो है मैं पटल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, पटल आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो पटल जो है मैंने एक तरफ जो जिसमें जिस तेल में मैंने पकौड़े फ्राई किए थे ना, उसी में मैंने पटल को भी फ्राई करने के लिए डाल दिया। इधर साइड से तेल देकर जो है मैं मसाले भूनने के लिए तैयार कर रही। तो मसाले जो मैंने दिखाए हैं उसमें लहसुन, धनिया, मिर्च, यही सब वगैरह है जो रेगुलर हमारे मसाले लगते हैं वही है। तो जैसा कि आपने देखा कि फ़ौरन में जो है मैंने दिया जीरा, तेज़पत्ता और सूखा मिर्चा जो होता है, वही सूखा वाला जो मिर्च होता है लाल वाला, वो दिया मैंने। और थोड़ा सा नमक दे दिया था, क्योंकि नमक देने से जो है गाइस तेल चटकते नहीं हैं ज़्यादा, इसीलिए मैंने दे दिया था। और इधर देखिए हमारा आलू और पटल भी जो है फ्राई हो रहा है। तो इन सबको मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाने बना लूँ। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो हम लोग सब चाय पकौड़े खा लिए थे, तो उसका जो है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी गाइस। हम लोग साथ खा रहे थे, तो क्योंकि इतना हम लोग में हंसी मजाक हो रहा था कि ब्लॉगिंग करने के लिए भूल गई मैं कैमरा ऑन करना। एक्चुअली कैम मोबाइल जो है वो ऊपर ही था और मैं नीचे चली गई थी, उसके बाद मैंने मोबाइल का जो ब्लॉगिंग कैमरा वो ऑन नहीं कर पाई। और इधर देखिए गाइज पटल हमारा फ्राई हो चुका था, तो तेल ज़्यादा था ना, इसीलिए मैं इस तरह से छाक कर निकाल दी हूँ। और ये देखिए जो तेल है उसको मैं ढक कर रख दूँगी, यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छा है वो भी। तो काम करते करते में जो भी हमारे जो नाश्ते के बर्तन निकले थे शाम के, चाय पकौड़े के, ये सबको मैं धुल लूँगी। तो मैंने जूठा गिरा के रखा है, उन सबको अभी माँजना बाकी है गाइज। तो मैं जो है बर्तन तभी माँजती हूँ जब तक जूठा नहीं गिराती हूँ, तो बर्तन माँजना मेरा नहीं होता है। इसी तरह मैं जूठा गिरा कर सेट कर देती हूँ, फिर सबको माँज लेती हूँ। तो माँज भी रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, ऐसे काम जल्दी हो जाता है फैमिली। तो ये देखिए इधर जो है पटल आलू सब मैंने दे दिया है। तो अभी और ये जो है देख रही थी मैं कि आलू गले हैं कि नहीं, तो आलू नहीं गला था, मैंने डाल दिया। इस तरह से ढक दूँगी मैं, तो गल जाएंगे आलू थोड़ा देर में। तो इधर जो है हमारी सब्जी देखिए बनकर रेडी हो चुकी है, आलू भी गल गया, पटल भी गल गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब्जी का कलर गाइस। देखिए आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था, आलू पटल की सब्ज़ी और रोटी। तो इधर जो है मैं आटा लगा कर रखी हुई हूँ, आटा रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए गाइस रात का जो है वीडियो उतना ही था, ये दूसरा दिन सुबह का है। तो मेरा आँख में जो है प्रॉब्लम हो गया, वो जो बोलते ना आँख आ गया है, तो उसी तरह आगे मेरी बेटी का हुआ था, उसके बाद बेटा का हुआ, मेरा हो गया। तो इसी तरह से ये तो वायरस टाइप होता है ना, एक घर में एक लोग को हुआ, बस सबको हो गया। इसी की वजह से गाइस ये वीडियो जो है लेट जा रहा, क्योंकि आँख में बहुत प्रॉब्लम लग रहा था, गड़ रहा था आँख, इसीलिए। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गाइज। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये देखिए मेरा बेटा जो है, संडे का दिन सुबह का वक्त था, तो सूर्य नारायण को जो है जल चढ़ा रहा था। तो हम लोग जो है सुबह 9 बजे के लगभग गए थे मार्केटिंग, तो ये नेट का कपड़ा खरीद के लाए हैं, और वो जो है सिलाई का सामान था, सुई और टिप बोतम, वो सबको मैंने ख़रीद करके लाया है। और नेट जो है मैं खिड़की में लगाऊंगी, इसीलिए खिड़की का नेट फट गया था, इसीलिए मैं नेट ख़रीद कर लाई हूँ, उसे मैं सिल लूँगी। तो उन सबको करने के बाद जो है मैं नहा वहा कर, इधर देखिए मैं पुलाव बनाने के लिए जा रही हूँ। तो पुलाव के गाइस मेरी रेसिपी बहुत सारे वीडियो में है, आप लोग जाकर मेरे वीडियो को
देखिए उसमें आप फुल पुलाव की रेसिपी मिल जाएगी, तो इसीलिए मैंने नहीं पुलाव का रेसिपी शूट किया है, बस बना रही हूँ, ब्लॉगिंग शूट कर ले रही हूँ। तो उसके बाद देखिए कितने बर्तन निकल गए नाश्ते के बाद। तो इधर जो है मेरे हस्बैंड फूल का लेकर आए थे, फूल का आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फूल का मतलब फेफड़ा होता है, तो वही मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो ओ मैं बना रही थी, तो जो हमारे गज खाते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं खाते हैं वो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये देखिए मैं जो है फुलका को जो काट ली हूँ टुकड़ा टुकड़ा, उसके बाद जो है उसे बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। तो बॉईल ये जो है बॉईल करके ही बनाया जाता, नहीं बॉईल करने से जो है ना सब्ज़ी काले हो जाते हैं, तो इसीलिए आगे इसका कालापन बॉईल करके निकाल दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी फुलका। तो ये देखिएगा आज पुलाव जो है हमारा भुना रहा था चावल, तो फिर मैं उसमें पानी डाल दूँगी, एक सेट पुलाव बना लूँगी, और तब तक एक सेट जो है हमारा फुलका बॉईल हो जाएगा। जब फुलका बॉईल हो जाएगा तभी बनेगा गैस। तो इसको फुलका का जो है बॉईल करने के लिए मैं डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए फुलका जो है धुल रही हूँ, अच्छे से धुल कर फिर मैं ये करूँगी, और उस हड़िया में पानी लेकर जो है फुलका को बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद उसका पूरा कालापन निकल जाएगा, तो उसे अच्छा से धुल कर फिर मैं प्रेशर कुकर में बना लूँगी, क्योंकि कुकर में बनाने से जो है वो अच्छे से गल जाएगा। और फुलका के साथ जो है एक चुस्ता भी लाए थे मेरे हस्बैंड, तो चुस्ता को जो है मैं भर कर बनाऊँगी। तो आप लोग को मैं रेसिपी दिखा रही हूँ कैसे चुस्ता बनाती हूँ मैं, अब फुलका भी। तो देखिए इसी में डालकर बनेगा गैस, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसे जो है बॉईल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ गैस में, मैंने जो है गैस में चढ़ा दिया है, अब वो होता रहेगा। इधर हमारा पुलाव होगा, बाकी के जो मैं काम बचे हैं जैसे मसाला वसाला का काम रेडी कर लूँगी मैं। तो ये देखो, तो देखिएगा इधर जो है प्याज भी मैं भुनने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। तो ये देखिए फुलका जो है धुल कर कितना अच्छा हो गया है, साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। तो उसे मैं प्रेशर कुकर में डालकर इसी तरह प्याज के साथ भून ले रही हूँ। इधर देखिए एक चुस्ता लाए थे मेरे हस्बैंड, तो उसमें जो है मैं भर दे रही हूँ प्याज, हरा मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिया है, और हल्दी देकर मिक्स करके मैंने उसमें डाल दिया है। इन सबको डालने के बाद जो है गाय जिसे जो है अच्छे से बांध देना है, उसका मुँह उसमें भर कर बांधने के बाद आप जो हम फुलका बना रहे हैं प्रेशर कुकर में उसका पूरा मसाला वगैरह भून जाएगा, तब मैं इसको डालकर पानी डाल दूँगी। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। आप लोग जो इस चुस्ता वगैरह खाते हैं वो लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग इस तरह से बनाते हैं कि नहीं। तो ये देखिए फैमिली, इसी तरह से मैं उसका मुंह को जो है सिल दूंगी। मुंह सिलने के बाद इससे जो है जो हमने सामान भरा है वो जो है बाहर निकलेगा नहीं, अच्छा से वो बन जाएगा उसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे हस्बैंड जो है उनको बहुत पसंद है, वो खाते बहुत शौक से हैं। तो ये जो बना रहे हैं उन्हीं का पसंद है, आगे तो वो हमें बोले थे तो मैंने जो है मना कर दिया था, फिर उनको बिना बताए मैं बना रही हूँ, उनको पता नहीं है कि मैं इस तरह से बनाऊँगी उनके लिए, तो वो खाते बहुत शौक से है। तो इधर देखिए मसाला भुन गया है, इसमें आलू फुलका मैंने डाल दिया है सब, और अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी चुस्ता डाल दूँगी थोड़े देर में, लेकिन अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था मुझे, तो मैंने ऑयल भी डाला है, और ये दो जो बर्तन हैं इसे भी लगे हाथ में धुल लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ, फैमिली रहता है तो लगे हाथ धुल लेती हूँ, समय रहता है तो, अगर नहीं रहता तो कोई बात नहीं बाद में मैं कर लेती हूँ, लेकिन हाथ में समय रहता है तो मैं कर जब। तो इधर जो है लगे हाथ में धुलते धुलते जो है इधर बर्तन भी धुल ले रही हूँ, और इन मैं मसाले भी भून रही हूँ, तो इससे क्या है किचन का काम थोड़ा हल्का हो जाता है गाइस, और किचन बिखरा बिखरा सा नहीं लगता है। तो कभी कभी कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं, समय के साथ चलती हूँ मैं, क्योंकि जब टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, नहीं मिलता तो नहीं करती। तो इधर देखिए मसाले जो है भून रहे हैं हमारे, तो मसाले जो है लगभग भून चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं जो है इसमें चुस्ता डाल दूँगी, चुस्ता डालने के बाद जो है मिक्सी जो मैंने जार धुल कर रखा है वो पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो जब तक हमारे मसाले भुना रहे मैं आपसे पूछ लेती हूँ गाइस कि कैसा लगता है आप सभी को हमारा ये वीडियो।
अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस ये देखिए पानी भी मैंने डाल, चुस्ता भी मैंने डाल दिया, पानी भी डाल दिया है, और ये डालने के बाद जो है कुकर का, प्रेशर कुकर का जो है ढक्कन लगा दूँगी मैं, ढक्कन लगा दूँगी। कम से कम इसमें 5-5 सीटी आएगा, क्योंकि कुकर जो है ऐसे तो मीडियम सीटी से लगाइएगा तो आपका 3 सीटी में ही गल जाएगा, और अगर आप हाई फ्लेम पर लगा रहे तो 5 सीटी इनफ है। लेकिन मैं बोलूँगी जो मैं इसमें 5 सीटी प्रॉपर दूँगी, क्योंकि ये गलना ज़रूरी है और मुझे थोड़ा जल्दी है इसीलिए गाइज। और देखिए मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाकर इधर मैं अपने मुंह पोंछ रही हूँ, बहुत गर्मी है फैमिली। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है राशन दुकान गए थे तो वहाँ से बिस्किट और चाय पत्ती ख़रीदे हैं, और इधर जो है मैं जलेबी निकाल रही हूँ। तो ये देखिएगा ये भी जो है मेरे हस्बैंड लाए थे सुबह में, तो मैं खा चुकी हूँ फिर भी मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैं खा रही हूँ। एक और रखा हुआ था तो उसे भी मैंने खा लिया, क्योंकि चींटियाँ लग जाती है बरसात में गए इसीलिए। तो ये देखिए खाने के बाद जो है हमारा लगभग जो है फुलका हो चुका था। तो गाइज फुलका का जो है मैंने शॉर्ट्स छोड़ा है उसमें, आप देख लीजिएगा फुलका कलर कैसा निकला है। तो ये देखिए गाइज मेरे हस्बैंड जो है खा रहे हैं, तो उनको बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से, बहुत पसंद है उनको, अब बहुत शौक़ से खा रहे। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है आपको, तो हाथ दिखा के बोल रहे हैं कि अच्छा बना है। तो मैंने बोला कैमरा ऑन है इसीलिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे नहीं। तो गाइज कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। फैमिली मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।